हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और ये शिप बिल्डिंग का काम करती है, शिप बिल्डर है और रिपेयरिंग का काम करती है। और आपको ये दिखा दूँ इनका, ये देखो किस टाइप के इनके काम है, इनके बिजनेस है। और ये शिप है, ये बनाना है, रिपेयर करना, ये सारा काम इनके हाथ में है। और यहाँ पे बताया भी हुआ है, देख लो, कोचिन शिपयार्ड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1972 एज अ फुल्ली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। इन द लास्ट 3 decades द कंपनी हैज़ इमर्ज एज अ फॉर रनर इन द इंडियन शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इंडस्ट्री, ठीक है। दिस यार्ड कैन बिल्ड एंड रिपेयर द लार्जेस्ट वेसल इन इंडिया। तो ये इनका काम है और जो भी यहाँ पे बताया ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। और आपको आइडिया तो आ गया कि कोचिन शिपयार्ड ये कंपनी करती क्या है। और अभी इसका शेयर देख लेंगे कि ये शेयर में कितना दम है, ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका शेयर का मैंने यहाँ पर ये ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे इसका मनी कंट्रोल पे ये कोचिन शिपयार्ड मैंने ओपन करके रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो प्राइस चल रहा है अभी लो के आसपास चल रहा है, 52 week लो के आसपास है। यहाँ पे 344 का प्राइस है और 336 इसका 52 week लो है, तो लगभग ये बहुत डाउन के आसपास है। और मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आई और क्यों आई, क्यों लेना चाहिए मुझे लगा, ये आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं कभी भी हाई के आसपास कभी किसी को बाय करो, यहाँ पे बाय करो कभी नहीं बोलता, क्योंकि ये फ्यूचर में ये चीज़ देखने मिलती है, इसीलिए नहीं बोलता, ठीक है। अभी ये देखने मिल रहा है तो यहाँ से बढ़ने के चांसेस होते हैं और ये आपको आगे दिखाई भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसका स्वॉट एनालिसिस पहले कर लेते हैं। और शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 6 strength है, 3 weaknesses है, 2 opportunity और थ्रेट। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, डर तो कुछ है भी नहीं। और 6 strength में यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी विद अ हाई TTM EPS ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ अच्छा खासा बता रहा है। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में ये कंपनी पॉजिटिव है और इसका ग्रोथ अच्छा है, हाई है। और वीकनेसेस में 3 weaknesses में 1 weakness यहाँ पे बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो म्यूचुअल फंड का जो लास्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग है तो वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड थोड़े कम हो रहे हैं, वो उनके शेयर्स बेच रहे हैं। और बेचने की रीज़न आपको बता दूँ कि कोई भी, वो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड भी थोड़ा थोड़ा करके ही लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बेचते भी है। उनको लगता है कि अगर ये शेयर्स डाउन जा रहे हैं तो बेच देंगे ऊपर के भाव पे, फिर नीचे आएगा तो खरीद लेते हैं, तो यही स्ट्रैटर्जी होती है, इसीलिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा कमा लेते हैं। तो और इसीलिए म्यूचुअल फंड डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, और हमको अभी मौका लग रहा है तो इस वजह से यहाँ पे मैं ये आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्यों मौका है ये शेयर्स में लेने के लिए। तो और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बता रहा है कि राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज, ये देखो डिलीवरी परसेंटेज ये है, 50% की डिलीवरी ले रहे हैं यहाँ पे, एवरेज डिलीवरी 20 days का एवरेज डिलीवरी ये 50% है। तो 20 दिन का जो एवरेज निकाल रहा है तो 50% डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो डिलीवरी अच्छा हो रहा है, ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी है, मतलब लोग इसके बारे में पॉजिटिव है। तो और थ्रेड तो हमने देखा कि इसमें कोई है ही नहीं, थ्रेड डरने की कोई बात नहीं है। और अभी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, तो ओवरव्यू में हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 4,500 crore की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटल अच्छा खासा है, 4,500 crore है ये कंपनी के पास मार्केट कैपिटल। और डिविडेंड जो दे रही है 4.5% दे रही है, लगभग आप समझ लो कि बैंक में ही सेविंग में पैसे डाल रहे हो, यही समझ के इसमें डालोगे तभी भी आपको इंटरेस्ट के थ्रू या इंटरेस्ट जैसे ही डिविडेंड मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट मिलता है वैसे डिविडेंड मिल जाएगा समझ लो, ठीक है। और लगभग तो बैंक का इंटरेस्ट हो 3.5% है, कोई कोई अच्छी कंपनियां या अच्छे बैंक जो बड़े बड़े बैंक है या प्राइवेट बैंक है वो थोड़ा ज़्यादा देती है, बट
मोस्ट ऑफ ये 3-3.5% ही बैंक का अभी इंटरेस्ट रेट हो गया है। तो इस मुकाबले कोई 4.5% यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है किसी शेयर्स में ये करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो ये अच्छी बात होती है कि आपका पैसा सेफ है, ठीक है। और यहाँ पे और आपको दिखा दूँ कि इसका जो फेस वैल्यू है 10 का है और पीवी रेशियो भी बहुत अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत अच्छा है और इसका पी भी सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। 7-7.5 का पी मतलब अट्रैक्टिव है, अच्छा नज़र आ रहा है। ग्रोथ को देखा जाए तो ग्रोथ के हिसाब से इसमें और ग्रोथ आ सकती है, ऐसा ये यहाँ पे ओवरव्यू में दिखाई दे रहा है। और बाकी सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे इसका चार्ट में, तो चार्ट में पहले एक महीने का चार्ट में पहले ओपन करता हूँ। तो एक महीने के चार्ट में यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो एक महीने पहले का प्राइस जो स्टार्ट हुआ था 369 का हाई था, और फिर यहाँ से फिर ये इसने हाई जो मारा था 382 का, ठीक है, 382 के हाई तक ये गया था। फिर वहाँ से जो एक हाई मारा, तो उसके बाद जो 12 नवंबर का हाई है उसके बाद ये शेयर कंटिन्यू गिरते 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 गया। फिर बीच में ये थोड़ा सा ऊपर आया था, यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ पर 350 तक आ गया था, फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर आया था, 361 आया था, फिर देखो 10-11 रुपये बढ़ के फिर से ये डाउन आया। फिर यहाँ पे डाउन आते आते यहाँ पे एक लो बनाया था इसने जो था 337 का लो था, फिर वहाँ से ये फिर से अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ पे आके रुक गया, मतलब ये 344 पे आ गया है। तो शेयर्स 382 से 344 तक आना, मतलब यहाँ पे 40 रुपया ये गिर चुका है शेयर्स, तो अच्छा खासा एक महीने के अंदर ही ये शेयर गिर चुका है। और 3 महीने का अगर देखा जाए तो 3 महीने का भी हाई वही था, ठीक है, 3 महीने पर भी ये 382 का ही हाई दिखाई दे रहा है। और इसका 52 वीक हाई भी यहाँ पे 433 का है, वो हाई कब आया था वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये गिरा हुआ है और ये 6 महीने का जब ये स्टार्ट हुआ था, 6 महीना जब से जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया रहेगा तभी उसका प्राइस था लगभग, समझ लो भी देखा जाए तो 365 का था, तो उस वो अभी भी 6 महीने वाला थोड़ा कम लॉस में रहता। बीच में उसको मौका मिला था 20 रुपये कमाने के लिए, 10-20 रुपये ऊपर था ये शेयर्स, बट उसके बाद ये थोड़ा अप्स एंड डाउन ये शेयर्स ने बहुत दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक डाउन आया, फिर यहाँ पे एक बड़ा डाउन आया था, तो शेयर्स ने बहुत अप्स एंड डाउन 3 महीने के अंदर भी दिखाए। और 6 महीने के अंदर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो 6 महीने में देख लो, 6 महीने के अंदर ये जो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसका लो अगर हम देखेंगे 378 से, ये शेयर 433 यहाँ पे इसने हाई मारा है, वो है जून में हाई मारा था, 16 जून को जो हाई बनाया था वहाँ से ये शेयर्स ने फिर बहुत गिरते 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 यहाँ तक आ गया है अभी जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, वो गिर गिर के 345 तक आया, मतलब 433 से ये 345 तक आया है, मतलब लगभग 80-90 रुपया ये गिर चुका है। और उसके बाद यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है, देखो 2.5 रुपया एक बार डिविडेंड दिया है 21 सितंबर को, और यहाँ पे भी 6 रुपये का एक डिविडेंड दिया है 23 नवंबर को, तो डिविडेंड तो मुझे भी मिला ही होगा और ऑलरेडी मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ और आगे और भी यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि जब तक मुझे ये बड़े टारगेट्स नहीं मिलते, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी ये थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो देती है, बट इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ इसीलिए मैं आपके लिए भी ये वीडियो लाया हूँ, ठीक है। तो और आपको ये बता दूँ, ये कंपनी का देखो 1 साल के अंदर ये कंपनी ने 4 बार ऐसे डिविडेंड दिया है, यहाँ पे 9 रुपये का एक बार डिविडेंड दिया है, एक बार 4 रुपये का दिया है, एक बार यहाँ पे ये देखा जैसे 2.5 और ये 6 रुपया, तो टोटल ये इतना डिविडेंड 4 बार दे चुकी है। और ये कंपनी इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका कैसे भी करके 4.5% तो आपको मिल ही जाएगा, ये समझ के चल लो जो भी इन्वेस्ट करोगे। अगर उसमें और थोड़ा बढ़ जाता है शेयर 10-20% अगर आपका शेयर ऊपर है तो वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा,
अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है। बट मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर अच्छा नहीं है। क्यों? उसके पीछे की वजह यही है कि इसका एक साल का भी चार्ट देख लो, ये कितना अप्स एंड डाउन्स है। तो यहाँ पे देखो, ये अप गया है तो यहाँ पे डाउन, जैसे डिविडेंड लिया लोगों ने, फिर वहाँ से ये डाउन आया, फिर यहाँ पे थोड़ा अप आया, फिर यहाँ पे डिविडेंड एक बार लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वहाँ से डाउन आया। तो ये अप्स एंड डाउन, ये शेयर्स में अप्स एंड डाउन बहुत नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे एक उछाल दिया, तो ये कभी भी ऊपर जा रहा है, कभी भी डाउन पे आ रहा है। तो ये एक साल में भी वही हाल है। अभी इसका 5 साल का चार्ट भी देख लो, तो 5 साल में तो ये लगभग जो हाई था इसका 592 का, वहाँ से ये यहाँ पे हाई दिखा रहे हैं। 592 का हाई से ये लगभग अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ तक आ गया है। बीच में इसने एक लो मारा था और ये लो था 210 का लो, देख लो 300 रुपये गिर गया था, 300 350 या 400 रुपये का लो, क्योंकि ये 590 का प्राइस है। तो वहाँ से ये लगभग समझ लो 400 रुपये गिर चुका था, तो 600 अगर हम उसको पकड़ते भी है तो बहुत ये शेयर्स ने डाउन दिया वहाँ से हाई से। तो यही होता है कंपनी में, कोई रॉन्ग प्राइस पे, हाई के प्राइस पे जाके चिपक के बैठना और उससे हमको लॉस ही होता है। इसीलिए शेयर मार्केट में मेजॉरिटी लोग लॉस करते हैं और बहुत गिने चुने ही लोग प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टडी नहीं होता है, किसी का भी सुन के कोई भी कर लेते हैं इन्वेस्ट और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर लेते हैं, आँख बंद करके कर लेते हैं, या किसी ने उनको बताया रहता है कि ये इसमें इन्वेस्ट कर लो, ये शेयर इतने का इतना होने वाला है, उतने का उतना होने वाला है। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किसका सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और आपको खुद का क्या स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं जो भी बता रहा हूँ जेन्युइन है, और ये इसका हिस्ट्री है, ये इसका पास्ट है, और ये पास्ट में इतना देखो कितनी बुरी इसकी हालत हुई है। अभी मैं ये पास्ट अगर दिखा भी रहा हूँ तो पास्ट में देखो, अगर हम आगे इसका जाके फाइनेंशियल चेक करेंगे तो फाइनेंशियल ख़राब होते हैं या अच्छे होते हैं ये भी देख लेंगे, फिर उस हिसाब से हम आगे भी और बात करेंगे, ठीक है। तो 5 ईयर्स में अगर हम देख रहे हैं तो ये गिरते आ रहे हैं, और इसका मैक्स देखेंगे तो वहाँ से भी ये डाउन ही नज़र आ रहा है। और मैक्स ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2000 कोचिन शिपयार्ड, ये अभी अभी की आई हुई कंपनी है। 5 साल भी देखो या कुछ भी देख लो, ये टोटल ये 2017 से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 2017 से आई हुई कंपनी है। तो मतलब लगभग 4 साल तो यह इसको पकड़ के चल सकते हैं, ये 4 साल से कंपनी है, और 4 साल में जो इसका जो हाई था उधर से ये गिर चुकी है। तो ये कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कैसा दिया है, ये हमने यहाँ पे देख लिया उसके चार्ट थ्रू। अभी हम इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका रिटर्न है। तो एक वीक का रिटर्न देख रहे हैं तो लगभग 1% तक है, 1.5% डाउन है, और एक महीने का भी देख लो तो लगभग 4% तक डाउन है, 3 महीने का भी रिटर्न देख लो लगभग ये 5.5% तक डाउन है, और ये YTD अगर हम देख रहे हैं तो 7.5% ये डाउन है। तो लगभग ये शेयर्स कम्प्लीटली डाउन ही दिख रहा है, 1 साल से 3 साल का भी देख लो तो ये डाउन ही है। मतलब ज़्यादा तो यहाँ पे डाउन नहीं है बट लगभग डाउन है जो 1 साल 3 साल, तो लोगों को इतना पैसा डुबाया नहीं इसने यहाँ पे, ये दिख रहा है। 3 साल से भी अगर देख ले, 3 साल से भी इन्वेस्टेड रहेगा तो उसका जो पोर्टफोलियो रहेगा तो 7-7.5% से डाउन रहेगा अगर 3 साल के प्राइस पे, 1 साल से भी रहेगा तो 4-4.5% डाउन रहेगा। तो इतना भी लोगों को डुबाया नहीं है ये कंपनी ने, और आगे क्या करेगी ये कंपनी या और अब देखेंगे। अभी यहाँ पे इसका जो कोचिन शिपयार्ड का जो स्टैंड अलोन जून का नेट सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो लगभग है डाउन हुआ है, थोड़ा डाउन हुआ है, 0.92% से डाउन हुआ है, थोड़ा ही डाउन सेल हुआ है, ज़्यादा डाउन हुआ नहीं है। तो जून का सेल्स यहाँ पे अगस्त का जो रिज़ल्ट है वही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 100% बाय करके चलो ऐसा बता रहे इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर नहीं, ये जो फॉरम है यहाँ पे जो मनी कंट्रोल यूज़ करते हैं उनका ये पोस्ट है कि उन्होंने ये बोला है कि वो ये बाय करके चलो। और ऐसे ऐसे डायरेक्ट देखो उसने भी इसमें बाई का रिकमेंडेशन डाला हुआ है, और उसने रिकमेंडेशन कब डाला है और उसने टारगेट क्या दिया है ये भी देख लो। अभी यहाँ पे एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी आपको,
कि लोग हैं ना, हर किसी को ब्लेम करते हैं कि किसी ने कुछ भी हो जाता है तो किसी को ब्लेम करके चलने में उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको खुद को स्टडी नहीं करना होता है और बाकी सारी चीज़ें वो खुद भी नहीं देखते, जस्ट किसी ने बोल दिया करके भरोसा करते हैं। अभी ICICI नाम की कंपनी है, ICICI डायरेक्ट कंपनी, उसने 410 का जब प्राइस था तब लोगों को बोला कि तुम लोग इसको बाय कर सकते हैं और ये इसका PDF सारी चीज़ें है और यहाँ पे बाय करके रिकमेंडेशन आया है, और उन्होंने बोला है 500 का टारगेट आएगा, उन्होंने 410 के टाइम पे बोला, और ये 19 जून को बोला उन्होंने, ठीक है। जब इसका जो रिज़ल्ट भी जून का रिज़ल्ट आया वो ख़राब आया थोड़ा। अभी यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ चार्ट पे और यहाँ पे एक साल का मैं चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं जून देखता हूँ, ठीक है। जून में जब ये 410 था, यहाँ पे देखो ये जून का है, 16 जून या जो भी है, तो यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है 417 407 आठ, तो यहाँ पे ही उन्होंने ये रिकमेंड किया था जून के टाइम पे, 400 के रेंज में जब प्राइस था तब उन्होंने बोला कि अभी बाय कर लो। देखो लोगों को किस टाइम पे बोला, जब कंपनी हाई के आसपास है तब लोगों को बोला बाय करो, लोगों ने भरोसा किया वहाँ से शेयर, मतलब हाइक के ऊपर उन्होंने रिकमेंड किया। मतलब देखो लोगों का पैसा डुबाने का काम कौन करता है, हम करते हैं या कौन करता है? तो यही चीज़ आपको समझाने के लिए, यही चीज़ आपको अच्छे से बताने के लिए ही मैंने ये चैनल चालू किया है, और इसी वजह से मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ आपको दे रहा हूँ कि लोग या कोई भी यहाँ पे जो बड़े बड़े जो टारगेट्स बताते उनके भी वीडियो पे ला सकता हूँ, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ और किन के बारे में बता रहा हूँ, जो बड़ी कंपनी है ICICI डायरेक्ट, वो खुद भी इनकी रिसर्च टीम होती है, वो खुद एक ब्रोकर है और वो क्या बोलते हैं उनको कि फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, जो पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं, बाइक के रिकमेंडेशन देते हैं और उनके चार्जेस भी हाई होते हैं। वैसा इंसान, वैसे लोग आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे टॉप पे बाय करके चलो, और लोगों ने ICICI डायरेक्ट ने बोला तो लोगों ने बहुत सारे शेयर्स खरीद के रख लिए, कोचिंग शिप के ऐड के खरीद लिए समझ लो, और उधर से देखो उसने लो पकड़ा और यहाँ पे जो लो आया 350 का, 345 का, तो यहाँ पे लो लाने तक सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो ICICI डायरेक्ट ने बोला, वैसे बड़े इन्वेस्टर ने उसको सेल करना चालू किया और धड़ाधड़ सेल किया, और उसके बाद कमाया किसने? तो बड़े इन्वेस्टर ने। मतलब क्या होता है कि यहाँ से जिसने बढ़ाया, ये समझ लो ये लाइफ टाइम के लिए आपके बहुत काम आने वाली है, चाहे मेरे वीडियो लोग ज़्यादा देखे ना देखे, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होती है और अच्छी होती है, जितने लोग भी देखेंगे उनको ये पता चल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए सीखने मिलेगा कि क्या होता है। ये मेरे लाइफ के रियल एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें सारे मैं कर चुका हूँ, बहुत लोगों के रिकमेंडेशन के ऊपर चलता था, मैंने सर्विस भी ले ली थी, पेड सर्विस भी ले ली थी कि मुझे कोई अच्छा प्रॉफिटेबल करके देगा, लेकिन कोई आपका प्रॉफिट करने के लिए बैठा नहीं है। तो यही पे आपको इन्फॉर्मेशन मैं सही से दूंगा और सही गाइड करूंगा, और मैं खुद अभी प्रॉफिटेबल खुद के एक्सपीरियंस पे हो चुका हूँ, और आपको भी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आपके बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लो कि जिसने ये बड़े बड़े इन्वेस्टर होते यहाँ पे इन्वेस्ट किया रहेगा, जो बड़े बड़े बहुत पैसा उनके पास, यहाँ पे इन्वेस्ट किया और यहाँ से उनको लगा कि अभी शेयर्स देखो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पे वही है 340 का लो चल रहा है, यहाँ से उन्होंने बाय किया और 410 पे लाके, या 400 433 का जो हाई है वहाँ पे लाके, जो हाई टाइम का लाइफ टाइम का हाई है या इसका एक साल का जो हाई है वहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है, वहाँ तक वो शेयर को पहुँचा दिया, बहुत बाय किया और लोगों ने भी मतलब ये शेयर को ज़्यादा ये अप्रिशिएट करने के बाद ज़्यादा आगे बढ़ गया ये शेयर। तो उसके बाद देख लो ये शेयर जो गिरा, बट क्यों गिरा, ये टाइम पे ICICI आता है और ICICI डायरेक्ट बोलता है कि अभी बाय करो, ICICI ने बोला बाय करो तो लोगों ने बाय करना चालू किया, और सेल किसने करना चालू किया, ये बड़े इन्वेस्टर ने, लोग बाय करते गए और बड़े इन्वेस्टर उसका माल बेचते गया, तो बड़ा जो ट्रेडर है इन्वेस्टर है वो माल सेल करते उसने प्रॉफिट कर लिया, और जो छोटा इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारा लॉस करते गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपके फेवर में कौन है,
तो ऐसे ऐसे तो मेरे लिए भी लोगों ने किसी ने कमेंट डाला था कि आप किसी को मिसलीड मत करो, मिसगाइड मत करो, यूट्यूब चैनल पे हो तो लेकिन मिसलीड मिसगाइड कौन करता है यहाँ पे? जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला या ये बड़े बड़े ब्रोकर लोग? तो यहाँ पे ये समझ लो, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे वीडियोस पूरे देख लेना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ, और जो इसमें शेयर में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, जिसमें मैं खुद रिस्क ले रहा हूँ, वही चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कौन आपको सही बता रहा है और कौन आपको गलत बता रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए, अभी मैं आपको अगर ये प्राइस पे बाय करने बोल रहा हूँ तो मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको समझना चाहिए हमको हाई पे शेयर खरीदने बोल रहा है, मतलब ये बंदा सही है या गलत है, या आपको भी खुद को लाइफ में समझ में आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी अगर कोई ख़राब नहीं है बट उसका बाइंग प्राइस सही होना चाहिए, आपकी एंट्री प्राइस सही होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो यहाँ पे जो इसने रिकमेंड किया आपको, जो कोचिंग शिपयार्ड बताया इसने, ICICI डायरेक्ट ने 410 के प्राइस पे 500 का टारगेट आएगा। वो कब आएगा प्राइस का टारगेट? अभी मैं तो किसी को 500 का टारगेट ऐसे बता के नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ यही बोलूँगा यहाँ से 20-25% या 30% तो आ सकता है रिटर्न। तो आपको 20 भी आएगा, 25 भी आएगा निकल जाने का, मैं भी कभी कभी पूरा का पूरा प्रॉफिट लेने के लालच में नहीं रहता, मेरा जो मिनिमम टारगेट है उतना ही ले लेता हूँ। अगर वो शेयर्स एक दिन में अगर 10%, 12%, 15% भी आगे और एक्स्ट्रा रिटर्न दे देता है तो वो भी ऑटोमेटिकली अपने को मिल जाता है। तो होता है कभी कभी सर्किट मारने के, बट ये गवर्नमेंट शेयर्स ज़्यादा सर्किट मारते नहीं हैं, तो इस वजह से जितना भी अपने को रिटर्न मिले उतना लेना चाहिए। मेरा तो मिनिमम 21% का रिटर्न होता है, वो मैं इसमें से लेके फिर निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ यहाँ से 25-30% भी आगे बढ़ने के चांसेस है, तो बस इतना ही सोच लो कि अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ से 20-25 कैलकुलेट कर लो, ऐड करके देख लो कितना होता है, उतना इसमें चांसेस है बढ़ने के। आगे और कितना जाएगा, 500 जाएगा, 600 जाएगा, ये इनको ही टारगेट इनको ही पता, बट मैं एक मिनिमम टारगेट और मिनिमम चार्ट जो भी दिखा रहा है मैं उसी को, जो रियल चल रहा है वो उसी चीज़ को देख के मैं ये सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे रिवेन्यू जो दिख रहा है, पहले अभी इसका फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल कैसा था। यहाँ पे शेयर्स ने बहुत अप्स एंड डाउन किया है, बट इसका फाइनेंशियल देख लो, 2017-18 से जो चालू हुई है कंपनी, तो रिवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है, रिवेन्यू बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये 2021 का रिवेन्यू है वो भी लगभग थोड़ा कम नज़र आ रहा है, बट ठीक ही है क्योंकि 2021 अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो 2800 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू है, तो और थोड़ा यहाँ पे और रिवेन्यू बढ़ने के चांसेस है अगर ये ख़त्म होते होते साल तो। और यहाँ पे ये भी देख लो कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखो, बढ़ते जा रहा है, कम तो हो रहा नहीं। कंपनी अगर फाइनेंशियल अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो देखो ये भी अच्छा है, ये भी सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी नज़र आ रही है। तो फिर शेयर्स में ऐसा क्यों है कि शेयर्स अप्स एंड डाउन ज़्यादा दिख रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और ये 2021 में भी इसका यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे है, ये 2021 का प्रॉफिट भी देख लो 608 करोड़ का है, तो मतलब देखो, और 2020 का 632, मतलब 2020 का 632 है और 2021 का 608 है, तो 2021 अभी बाकी है, तो 10-20 करोड़ और भी कमा लेगा या 30 करोड़ और कमा लेगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये देख लो, ये कंटिन्यूसली 2018 से भी प्रॉफिट ही कर रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, सब कुछ प्रॉफिटेबल है, तो फिर ये शेयर कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन क्यों करता है? यही सारा सवाल होता है और इसी को बोलते हैं बड़े जो इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, यही लोग देखो 5 साल का भी हम लोग देख रहे थे चार्ट, मतलब 2018 से प्रॉफिटेबिलिटी है, सब कुछ है, फिर भी शेयर को गिराया जा रहा है, फिर भी शेयर गिर रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी शेयर गिर रहा है। तो ये चीज़ें होती भी है, तो ये सारी चीज़ें चार्ट वाइज भी हमको समझना पड़ता है कि क्या है शेयर में, कैसा है, ये सारी चीज़ें डिटेल पढ़नी भी पड़ती है, देखनी भी पड़ती है और तभी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो कंपनी अच्छी है, मैं नहीं बोलूँगा कि कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है, 1 साल का भी देख लो चार्ट, अप्स एंड डाउन बहुत दिखा रहा है, कंपनी देखने के लिए अच्छी है, बट फिर भी यहाँ पे डाउन आता है और इसको ट्रेडर लोग चलाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग चला रहे हैं, तो इस हिसाब से फिलहाल ये कंपनी ने लोगों को ज़्यादा रिटर्न तो दिया नहीं है और यहाँ पे
ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी इसमें देख लो, प्रमोटर्स ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इसमें, सबसे ज़्यादा 73% समझ लो प्रमोटर के पास है। शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा किसका है, तो प्रमोटर्स का है। और अगर देखा जाए पब्लिक का इसमें कितना है, 20% तक है, लगभग 20% तो पब्लिक के पास है। तो पब्लिक का 20% तक शेयर्स है, इसका कंपनी का जो ओनर्स है, प्रमोटर है, उनके 73% तक है, और जो DIs है कंपनी, यहाँ के इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लगभग 4.5% तक है, और FIs जो है उनके 3% तक है। तो लगभग सब ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, और कोचिन शिपयार्ड पे बहुत लोगों को भरोसा भी है, ये दिख रहा है यहाँ से। तो ठीक है, तो शेयर होल्डिंग बहुत लोगों की है इसमें, अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड स्कीम ने, यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगा के रखा है, और FIs है जो 70 FIs है उन्होंने पैसा यहाँ पे लगा के रखा है, और 4 इसमें से कम हुए हैं FIs, और 70 FIs अभी भी है। तो यहाँ पे इतने FIs है और म्यूचुअल फंड भी है, और अच्छा खासा लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे दिख रहा है। प्रमोटर सबसे ज़्यादा, और प्रमोटर इसके कौन है हमने तो देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अच्छा खासा इनका स्टेक है, अच्छा खासा इसमें से ये कमाने का देखते हैं। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पर भी पॉजिटिव, ओवरव्यू में पॉजिटिव है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो ये प्राइस में, और यहाँ पे पॉजिटिव ये बात है कि अभी शेयर ये प्राइस पे है तो यहाँ पे बाय करना सही टाइम है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, और आपके लिए मैं यही बताना चाहूँगा, ये शेयर मुझे तो अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आई है, और मैं ये शेयर में इन्वेस्टेड हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में है, और इसीलिए मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये शेयर बाय करना है तो कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और बाकी आपको नहीं करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये अच्छा खासा शेयर है, स्विंग ट्रेडर के लिए अच्छा खासा शेयर है, और अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, 20-25-30% पकड़ के चल लो। ज़्यादा बड़े टारगेट देने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई डबल ट्रिपल होने के टारगेट मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, अगर क्योंकि मैं खुद उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होता, मैं तब तक कैसे आपको बता दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जितना रिटर्न लेता हूँ उतना ही रिटर्न मैं आपको बता सकता हूँ, ज़्यादा से रिटर्न जो ज़्यादा कमाते वही ज़्यादा आपको रिटर्न बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने रिटर्न आपको मिलने के चांसेस है, और ये जेन्युइन टारगेट्स है, जेन्युइन रिव्यू है ये शेयर के बारे में। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होने वाला नहीं है, आपको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे आपको मिलेगी, और सही शेयर आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ये चैनल पे आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और सही राय मिलेगी, सही एक्सपीरियंस बंदे से आपको सब कुछ, और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।